फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंड शी किचन में। और आज की हमारी जो रेसिपी है वो है टोफू पनीर की सब्जी, जो हमने बनाई है शिमला मिर्च के साथ। जी हाँ, इसमें कोई ग्रेवी व्रेवी बनाने का झंझट नहीं है और बहुत ही जल्दी बनती है ये सब्जी। तो अगर आपके पास हो टाइम कम और बनानी हो पनीर की सब्जी, तो आप इस तरह से उसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो आज की हमारी रेसिपी है शिमला मिर्च और पनीर। तो ये हमने ली है शिमला मिर्च, इनको हमने अच्छे से धोकर डाइस में कट कर लिया है। ये हमने लिए हैं 3 प्याज, इनको भी हमने बड़ा बड़ा काटा है जस्ट डाइस के जैसा ही। और ये हमने लिए हैं 4 टमाटर, तो इनको भी हमने थोड़ा सा बड़ा ही काटा है। और ये बिल्कुल रेड टमाटर हमने लिए हैं, और जो खट्टे वाले टमाटर है वो नहीं है, ये है हाइब्रिड टमाटर। और ये हमने लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इनका हमने बारीक पेस्ट बना लिया। और अब हम बनाते हैं सब्जी। तो ये हमने लिया है पनीर, ये है मसाला टोफू सोया पनीर मसाले वाला, तो इससे जो सब्जी का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसमें प्रोटीन होता है भरपूर, तो बच्चों को अगर हम नॉर्मल पनीर की जगह ये वाला पनीर खिलाएं तो ज़्यादा हेल्दी होता है। और आज की जो सब्जी है इसमें हमें कोई ग्रेवी नहीं बनानी है, और ये फटाफट बनने वाली सब्जी है। तो आइए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो हमने ले लिया है एक पैन, और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। तो इस सब्जी को अगर आप बटर में बनाएंगे या देसी घी में बनाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और अब बटर में हम डाल देते हैं 1 तेज पत्ता, और इसी में हम डाल देते हैं 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, और थोड़ा सा इसमें हम डालते हैं जीरा, तो ये गरम जीरा। और जीरे को हम थोड़ा भून लेते हैं, और इसी में हम डाल देते हैं थोड़ी सी हींग, और अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज, ये गए प्याज, अब इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च, तो ये गई हरी मिर्च, साथ ही इसमें हम डाल देते हैं लहसुन, तो ये हमने लहसुन भी डाल दिया, और अदरक, और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं मिक्स। तो ये हो गया अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज का मसाला। और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, तो ये गए टमाटर। तो आपने देखा कि इसमें हमको बहुत ज्यादा पकाना नहीं है सब्जियों को, अगर ज्यादा पका देंगे तो ये बहुत ही मैशी मैशी हो जाएगी सब्जी, तो इसको हमको बहुत ही कम कुक करना है, लगभग 70-80%। और अब इसमें हम डाल देते हैं नमक, ये गया स्वाद के अनुसार नमक, और मसालों में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और ये हमारी सब्जी वाली लाल मिर्च। और अब इसमें हम डाल देते हैं शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च हमने ज़्यादा ली है क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर और शिमला मिर्च, तो अब इसको भी हम कर देते हैं मिक्स। तो सारे मसाले चले गए, सारी सब्जियां चली गई, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, लगभग 2 से 3 छोटी चम्मच।
और इसको हम ढक देते हैं 5-7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए, और देखिए सब्जी का कच्चापन पूरा निकल चुका है और बस सब्जी को हमें इतना ही पकाना है। अब इसमें हम डाल देते हैं पनीर। तो पहले हम पनीर को करते हैं थोड़ा पीसेस में कट। तो ये है टोफू पनीर और इसको हम कर लेते हैं कट। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जो भी साइज में आप काटना चाहें, जिस भी साइज में उसमें काट दीजिए। तो हम काट रहे हैं अभी मीडियम साइज ही, क्योंकि सब्जी अभी हमारी सारी थोड़ी मोटी ही कटी हुई थी। तो बस ये कट गया पनीर और अब इसको हम डाल देते हैं सब्जी में। ये हमने डाल दिया है पनीर इसमें और इसको हम सब्जी के साथ मिक्स कर देते हैं। और इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मलाई, जो कि दूध की मलाई है, दूध के ऊपर आई हुई थी। तो ये हमने इसमें डाल दी थोड़ी मलाई। तो मलाई से सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब इसमें हमने कोई ग्रेवी नहीं बनाई है, इसलिए थोड़ी मलाई डालने से जो सब्जी है उसमें एक अच्छा टेक्सचर हो जाएगा। तो बस इसको कर देते हैं मिक्स। और अब इसमें हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। ये हमने डाल दी है कसूरी मेथी और अब हम सब्जी को 5 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी है बिल्कुल तैयार। तो गैस को कर देते हैं बंद और अब सब्जी को करते हैं सर्व। तो देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही आपस में लथपथ सब्जी जिसको बोलते हैं, और बिना किसी ग्रेवी के बहुत जल्दी बनने वाली है और टेस्टी तो इतनी है कि बस क्या बताएं। तो ये हम करते हैं अब इसको सर्व। और इसमें हमने डाला है पनीर, यानी कि टोफू पनीर डाला है मसाले वाला, तो उससे हमारी जो सब्जी है उसका टेस्ट और बढ़ने वाला है। और जो शिमला मिर्च डाली है वो आप इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए, शिमला मिर्च की सब्जी। तो बस अब हम लेते हैं गर्मा गर्म सब्जी का आनंद। ऊपर से कर देते हैं इसको हरे धनिये से गार्निश। अब की बार आप इस तरह से बनाइएगा पनीर की सब्जी, जो बन जाए झटपट मिनटों में ही, ना किसी ग्रेवी का झंझट ना ही और कुछ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।